बात करते हैं उबाड़ू से, जहां उबाड़ू की नवाही गांव कर्क बोड़ी की रिहायशी मोहम्मद अयूब सोलंगी, ज़हूर अहमद सोलंगी, अब्दुल अजीज़ सोलंगी का ख़वातीन और मासूम बच्चों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ू में एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर मोहम्मद अयूब सोलंगी ने कहा कि 2 साल कबल मेरे कज़न ज़फ़र अली सोलंगी और इसकी बीवी यास्मीन बीवी को घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा उबाड़ू थाने पर दर्ज है और इस मुकदमे में गवाहों जिसका केस उबाड़ू की अदालत में चल रहा है। जवाब आखिरी मराहिल में है और फतवा के करीब है। सजा के खौफ से मुल्ज़मान मंजूर अहमद सोलंगी, फौज अली सोलंगी, अल्लाह डीनो सोलंगी, चार्ल्स अहमद सोलंगी और दीगर मुल्ज़मान मुकदमे से दस्तबरदार होने और गवाही ना देने के बजाय दबाव डाल रहे हैं। बार बार मुझ पर हमले किए जा रहे हैं, अब मेरे ख़ानदान के अफराद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, जिसकी एनसी रिपोर्ट भी उबाड़ू थाने पर दर्ज करवाई है। मुल्ज़मान बाअसर हैं, मुझे कत्ल करेंगे, मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। हमारी SSP घोट की DIG सखर IGC से अपील है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए।